हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, यहाँ पर आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। और सबसे पहले हम जो है उसके लिए आटा लगाएंगे, और कुछ आटा बनाएंगे हम पपड़ी के लिए, यानी कि जो मट्ठी होती है उसके लिए। तो चलो जी, ये है मैदा, आधा किलो इसमें से उसके लिए बनाएंगे आटा गुजिया के लिए, और आधा किलो का जो है मट्ठियों के लिए। तो सबसे पहले हाँ, आरुषि लेकर आई है चम्मच, तो इस हिसाब से हम इसको आधा आधा कर लेंगे। ये ले लिया है हमने मैदा, और इसमें डालेंगे सबसे पहले घी। घी का इसमें जो है देसी घी का मोवन लगाएंगे, और ये देखिए आधा मैंने इसमें डाल दिया है, आधे से ज़्यादा ही डाल दिया है। अब इसको जो है पूरे आटे में मिक्स करना है अच्छे से, हाथों से मसल मसल के, तभी जो है हमारी गुंजिया अच्छी टेस्टी बनती हैं, जब इसका आटा जो है एकदम परफेक्ट बनता है। तो जी, यहाँ पर आज होली की स्पेशल जो है गुंजिया बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, सारा काम निपटाने के बाद में फ्री टाइम में। तो पहले आटा बनाएंगे, उसके बाद में जो है इसकी स्टफिंग, जो भी मटेरियल हम लोग इसके अंदर डालेंगे वो तैयार करेंगे। क्या क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, अच्छे से शेयर करेंगे कैसे हम लोग गांव में गुंजिया बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम फटाफट से इस तरीके से हाथों से जितना मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा है, इससे जो है हमारी गुंजिया एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। हाँ, गुजिया बना रहे, अब समझ में आया है यार उसी को कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो जी, इसमें हमने देसी घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, आटे को लगाने के लिए पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और ये सीधा सिंपल पानी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे छोटे से नंदू हलवाई भी आ गए हैं थोड़ा सा साझा लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा किलो मैदा में हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग बहुत सारी गुजिया बन जाएगी। हाथ मेरे एकदम साफ है, अगर हम मोन इसमें अच्छे से डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आटे को अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जी, ये यहाँ पर रख दिया मैंने। अब बनाएंगे नमक वाला आटा मट्ठी बनाने के लिए, ये देखिए। तो जी, इसमें हमें क्या क्या डालना है, दोनों चीज़ें मैं एक बार ही बनाकर दिखाऊंगी, साथ साथ में इनका आटा लगा रही हूँ, तब तक जो है आटा एकदम तैयार हो जाता है। और ये इसमें भी हमने इस तरीके से ही देसी घी डाल दिया है, और ये घर पर जो हम बनाते हैं ना वो बच्चों को नुकसान भी नहीं देती, आरुष जो है इन्हें काफ़ी पसंद करता है। और ये डाल दिया है हमने अजवाइन, इसको थोड़ा सा मसल लेंगे हथेलियों से अपनी, और इसे इसी के साथ में हम मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में, देखो जी। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, और अब इसको मिक्स करेंगे। ये आटा है गुजिया के लिए, और ये है नमक वाला आटा। तो चलो इन्हें ढक देते हैं, रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी का चूल्हा मैंने जला दिया है, कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये रहा पूरा मटेरियल जिससे मिलाकर बनेगी, ये पूरा उसका जो है स्टफिंग बना रही हूँ मैं। ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम और ये किशमिश, सूजी ले लिया आधा किलो, और ये शुगर पाउडर बूरा, जो हमारी भाषा में बूरा बोलते हैं, और ये है मावा खोया। तो जी, अब सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को जो है फ्राई करेंगे, और उसके लिए मैंने ले लिया है देसी घी। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है तो इसमें डाल देते हैं ये घी, और बस मुझे ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो है थोड़े से ही मतलब कड़क से हो जाएंगे, और इन्हें पीसने के लिए मामजिस्ते की ज़रूरत पड़ेगी, कूटना है इन्हें, दरदराहा बनाना है। अगर मैं मिक्सी में पीसूंगी तो ज़्यादा बारीक पाउडर हो जाएगा।
और मामजिस्ता जो है मैंने मंगा लिया है, और ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा घी डालकर उसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और आज ही हमने ये फ़र्श धो दिया था थोड़ी देर पहले ही, गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी से सूख जाता है। प्रीति बोल रही थी ये साफ़ सफाई के काम आज नहीं पड़ जाएंगे, कल जो है पूरा दिन हम लोगों का पूजा पाठ करने में निकल जाएगा। तो जी यहाँ पर ये हमने इसको फ्राई कर लिया है, और मैंने पिछले साल होली पर ही ये तीनों चीज़ें जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको इसमें से निकाल देते हैं। ये देखिए, और अब डालेंगे इसमें सूजी। सूजी मैंने छान ली है, और सूजी को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना उससे हल्के उसमें भूनना है। इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये मावा डालेंगे और सूजी को करेंगे ठंडा थोड़ा सा। तो मावे को कढ़ाई में डाल लिया है, और जल्दी से ही ये पिघल जाएगा क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म है, और इसे हमने फ्रिज में रख रखा था तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अभी इसमें ये बूरा डालेंगे। एक कटोरी पूरा मैंने इसमें डाल दिया है, अभी थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि सूजी जो है वो आधा किलो से कम है। तो जी इसमें जो है मीठा जो है ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि मैदे में तो कुछ हमने आटा लगाते टाइम कुछ ज़्यादा नहीं मिलाया मोहन के अलावा। तो ये देखिए ये बनकर पेस्ट इसका तैयार हो गया है। अब इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। उससे पहले इन सब को जो है ठंडा करना है, और ये चाशनी की तरह बनकर तैयार हो गया है। और नंदिनी का तो एकदम देख कर खाने का मन कर गया। साफ करके ले लिया है, अब इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा बारीक मुझे ये नहीं करना है, सिर्फ दरदरा करना है। इन सबको जो है मैंने कूट लिया है इस वाले मामजिस्ते में ही, और ग्राइंडर में जो है, नहीं तो इनका बहुत ही बारीक बारूदा बन जाता। और ये अच्छा लग रहा है देखिए। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे, और ये हमारा मटेरियल जो है वो ठंडा हो चुका है, और देखिए बिल्कुल ये रबड़ी जैसा लग रहा है, और खाने का मन कर गया होगा ना देखते ही, क्योंकि एकदम देसी तरीके से घर पर ही बनाया गया है। तो अब मैंने सूजी को ठंडा करके इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा बूरा और डाल लिया है जिससे कि मीठा ठीक ठाक सा लगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही फीका खाना चाहिए, मीठा ठीक ठाक सा होना चाहिए। और गांव में तो कई लोग ऐसे होते हैं वो काफ़ी तेज़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली एक जैसा ही खाती है, मीडियम, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाती है, जिससे कि चीज़ में बस स्वाद आए, बस थोड़ा ही, वो भी ज़्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो अब कढ़ाई कर देते हैं खाली। प्रीति कर रही है बर्तन साफ, फिर जो है दोनों मिलकर बनाएंगे। वो बोल रही थी कि तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, आप इसकी जो है तैयारी कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं होली के लिए स्पेशल मानी जाती है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक जो है हम इस आटे को भी देख लेते हैं और कुछ बनाना भी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितना पतला हो गया है, ये कितना टाइट गूंदा था हमने। और इसे भी दिखा देते हैं, ये देखिए आटा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये वाला भी जिसकी मठड़ी बनानी है मुझे, तो इसे तो रख देते हैं यहाँ पर इसके लिए ढककर, ठीक है जी। और जब तक ये बनाकर तैयार करते हैं। और अभी जो है हम सबसे पहले ये मट्टी बनाकर तैयार करेंगे, और इनकी जो है मैंने छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर रख ली है। और प्रीति पूछ रही है माँ से कि शाम के टाइम खाना क्या बनाए, लेकिन आलू मटर बना लेंगे, कल हम लोगों का व्रत भी है और शाम के टाइम खाना खा लेंगे, नहीं तो हम लोग जो है शाम के टाइम बस दूध दाद पी लेते हैं शाम को और लेट जाते हैं, फिर सोना ही तो है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और जब हम मैदे की लोइयां बनाते हैं ना तो वो मतलब
रबड़ की तरह हो जाता है आटा, बिल्कुल जैसे रबड़ को खींचते हैं ना इस तरीके से आटा हो जाता है। तो अभी मैंने लोइया बनाने के बाद में फटाफट से इनको जो है बेलना शुरू कर दिया है। इन्हें बेल कर रख लूँगी, फिर जो है गुंजिया बनाएंगे। गुंजिया का सामान भी मैंने सारा यहीं पर रख लिया है। और चिंकी बोल रही है कि मम्मी लाओ मैं बनवाऊँ, लेकिन मैं इसे बोल रही हूँ बेटा तुमसे नहीं होगा। और ये जो मैं ये बना रही थी पापड़ी वाली चाट भी बनाएंगे हम लोग होली वाले दिन, तो ये चल जाएगी परसों तक। थाली और परात में जो हमने बनाकर वो रख लिया है। सबसे पहले अब मैं गुंजिया बनवा रही हूँ, और थोड़ा सा इन्हें जो है हाथों से भी प्रेस करना पड़ता है ताकि इनका जो अंदर हम मसाला भर रहे हैं वो बाहर ना निकले कढ़ाई में डालते वक्त। तो जी अभी यहाँ पर कार्यक्रम जो है चालू हो चुका है। प्रीति भी आ गई है और चिंकी भी लगी हुई है। दो फ्रेम है हमारे पास में गुंजिया बनाने के, और ये हमारी पापड़ी तैयार है, बस इनको तलना बाकी है। मैं सोच रही हूँ गुंजिया थोड़ी सी और बन जाए, एक बार कढ़ाई चढ़ाने से जो है ये फटाफट से फिर फ्राई कर दूँगी। ये देखिए गुंजिया भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, और थोड़ा बहुत ही बचेगा ये। और अभी कढ़ाई जो है कम हुई थी, और ये जो पापड़ी होती है वो धीमी धीमी आँच में ही बनाई जाती है। और शुरू में तो जब मैं इन्हें अलट पलट रही थी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो गुड्डू बोल रही थी मुझे कि मम्मी ये तो छोले कुलचे जैसी बिल्कुल एकदम बन रही है। तो जी इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ऐसे बोल ही तो देते हैं कि 10 मिनट में नाश्ता तैयार, 10 मिनट में गुंजिया तैयार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को अच्छे से बनाने के लिए समय लगता ही है। और देखते ही देखते ये देखिए अंधेरा भी हो गया, और अभी मैंने इनको तलना शुरू कर दिया है। एक बार की जो है वे तल दी है। और यहाँ पर देखिए छोटे बड़े सारे के सारी जो है पाल फैमिली की टीम लगी पड़ी है गुंजिया बनाने के लिए। बस इनको तलना बाकी रह जाएगा। तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है जितना इन्हें बनाने में, और ये थोड़ा सा बारीकी का काम होता है, बिल्कुल भी फटने नहीं चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है, कितनी सावधानी पूर्वक। मैदा और जो मटेरियल हम लोग भरते हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक भी गुंजिया जो है फटी नहीं थी, मतलब आटा भी इतना अच्छा से बनाकर मैंने तैयार किया था। अब इनमें मैंने तलना शुरू कर दिया है, और जो हमारी मट्ठी भी बोल सकते हैं या फिर पापड़ी बोल सकते हैं, वो चीज़ जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। और बच्चे तो उसमें से खाने भी लगे हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी लग रही है। हम जो है इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को घर पर बनाकर खिला देते हैं, और बाज़ार की तो नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे ऑयल वहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो नुकसान देते हैं। और धीमी धीमी आँच में ही मैं इन सब को बना रही हूँ, नहीं तो ऊपर से जो है ये सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए आँच जो है थोड़ी थोड़ी। और इस वाली जो ये हमारा पलटा है इसे धीरे धीरे करके ही इनको पलटना है, नहीं तो फिर तो ही वो तलने के बाद में जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है ऊपर की साइड से इनकी परत जो है। और चिंकी मेरे पास और लेकर आ गई हैं, तो 3-4 बार में ही ये सारी गुंजिया सिक कर तैयार हो जाएगी। और हल्के से ऐसे ही मैं इन्हें हिलाती रहूँगी और पलटती रहूँगी। तो जी ये देखिए गुंजिया भी सिक गई है अच्छे से, और अभी जो है दूसरे नंबर की डालते हैं, जो थाली मुझे अभी चिंकी देकर गई है। माँ ने जो है आलू टमाटर मटर, तो देखिए दोस्तों ये गुंजिया बनकर तैयार हो गई है, और ये पापड़ी, और ये इतनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है ये देखो, और ये गुंजिया ये देखो कितनी अच्छी बनी है। ये आप भी खा लीजिए होली स्पेशल पापड़ी और ये गुंजिया। ये मीठी गुंजिया है और नमक की बन जाती है। तो जी अभी 4-5 और रह रही है उतारे बिना, फिर जो है खाना बनाएंगे। तो चलिए
इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। और आप सबको हमारा ये देसी तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।